नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश यादव स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरे सभी प्यारे दर्शकों का। आज हैं हम महालक्ष्मी गोट फार्म पर जो कि महेंद्रगढ़ में है। और सबसे बड़ी बात इस फार्म पे ये है कि जब इन्होंने शुरू किया था तब कहानी कुछ 8000 की है। 8000 से इन्होंने आज अपने फार्म की मुकाम 60000 तक पहुँचा दिया है। तो इस दौरान कौन कौन सी परेशानियां अक्सर किसान को देखने जो मिलती हैं, आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। साथ में ये भी जानेंगे कि किस तरीके से इन्होंने 8000 से शुरू करके आज अपनी बकरियों की जो कीमत है, जो प्राइस है, वो 60000 तक बनाई है। और किस तरीके से मार्केट जो है वो फ्लैक्चुएट हुआ। फ्लैक्चुएट का मतलब ये है कि उतार चढ़ाव आते रहते हैं। साथ में जो आसपास के लोग हैं वो किस तरीके से इनका रिएक्शन भी हम इनमें जानेंगे। और सबसे बड़ी बात, आज हम ऐसे किसान से मिलाने वाले हैं जो एक पढ़ा लिखा है और ऐसे क्षेत्र से बिलोंग करता है जहां पर खेती को प्रमुखता दी जाती है, और उसने बकरी पालन को कैसे अपनाया और कैसे इसको चला रहे हैं, कैसे आगे इनकी क्या प्लानिंग है, इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। चलिए चलते हैं और मिलते हैं किसान दोस्त से। नमस्कार सर, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका। जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए और अपने फार्म की लोकेशन के बारे में बताइए। नमस्कार सर आपका, हरीश जी मैं अपने फार्म पे आपका भी स्वागत करता हूँ और उन सभी व्यूवर्स का जो हमारा ये वीडियो देख रहे हैं। और व्यूवर्स के लिए मैं एक बात और बताना देना चाहता हूँ कि जो मैं जो बकरी पालन के बारे में बताता हूँ और लोग कमेंट करते हैं तो उनको बता दूं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, किसी की बकरी पालन के संबंधित कोई जानकारी हो तो मुझे कभी भी फ़ोन करके पूछ सकते हैं। बिल्कुल। और मेरा महालक्ष्मी गोट फार्म है, गांव मेरा पाथेड़ा, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा से हूँ। आशीष कुमार मेरा नाम है। बिल्कुल जी। तो आशीष जी, मैं जैसे इस क्षेत्र में विजिट करते रहता हूँ, मुझे जैसे देखने मिलता है कि ये जो क्षेत्र है ज़्यादातर खेती बहुल्य है, खेती को प्राथमिकता ज़्यादा दी जाती है। आपने बकरी पालन के बारे में कैसे सोचा और इससे पहले आप क्या करते थे, थोड़ा सा ये बताइए। हरीश जी, मैं पहले एक प्राइवेट बैंक में जॉब करता था, उसके बाद मैंने जो डेयरी का काम होता है दूध का वो किया, और फिर मैंने देखा सुना लोगों से कि बकरी का फार्म होता है। अच्छा। उससे पहले मेरे को नहीं पता था कि बकरी का भी कोई फार्म होता है। जब मैंने इस क्षेत्र में घुसा, एक दो फार्म विजिट किए, उसके बाद मैंने ये अपना सेटअप तैयार किया। अच्छा, फिर किस तरीके से बकरियों का चुनाव किया आपने, किस नस्ल के साथ और कितने से शुरू किया? मैंने 10 बकरी से स्टार्टिंग की थी। मेरे यहाँ पर लोकल ब्रीड है जखराना, उससे उसके बाद जखराना में समस्या ये आई कि हम जखराना को स्टॉल फीडिंग पे नहीं रख सकते। अच्छा। उसको ग्रेजिंग के लिए बाहर ले जाना होता था, और जो फार्म में रखने का हमारा पर्पज था स्टॉल फीडिंग पे। और फिर जखराना को मैंने हटा के सिरोही ब्रीड का चयन किया। अच्छा। सिरोही के बारे में हमने ज्ञात हुआ कि सिरोही को आप स्टॉल फीडिंग पे भी रख सकते हैं और ग्रेजिंग पे भी, ऑलराउंडर ब्रीड है सिरोही। और सिरोही लाने के बाद हमें ये रियलाइज हुआ कि मार्केट जो वैल्यू है वो सिरोही की कम है। हमारे यहाँ पर राजस्थान में तो सिरोही की डिमांड है, लेकिन हमारे यहाँ पर कम है। हमारे यहाँ पर उस टाइम मार्केट में सिर्फ सोजत ब्रीड नहीं आई थी, इसी की डिमांड थी। फिर मैंने सोजत और तोतापुरी दोनों को फिर साथ काम किया, और फिर सोजत से हैदराबादी सोजत, प्योर हैदराबादी और हैदराबादी क्रॉस। अच्छा, तो ये तो आप अभी कर रहे हैं। सर, मुझे उस 8000 की कहानी थोड़ा सा समझाइए कि कैसे जब शुरू किया तो क्या क्या परेशानियां उस टाइम पर आई थी, उसके बारे में हमारे दोस्तों को बताइए। हरीश जी, जब मैंने फार्म स्टार्टिंग किया तो मैंने 8000 की एक बकरी खरीदी थी, 8000 के हिसाब से 10 बकरियां, और आज जो मेरा सेटअप है उसमें 60000 रुपये की एक बकरी है। और ये जो 8000 से 60000 तक का सफ़र जो मैंने तय किया है ये बकरियों से किया है। बिल्कुल। नहीं पैसे कैसे लिए, उधार पे ना ब्याज पे, और इन्हीं से कमाया और इन्हीं में लगा दिया। तो उस टाइम पे सर, मैं जैसे जानना चाहूँगा, इस क्षेत्र में बकरी पालन कम है, आप पढ़े लिखे हैं, तो किस तरीके से, एक जो ये सवाल मुझे पूछना तो नहीं चाहिए परंतु सभी के साथ ये चीज़ें होती हैं, किस तरीके से आपका पारिवारिक सपोर्ट था या सामाजिक, जो एक कहते हैं ना कि अगर आप बकरी पालन करने लगते तो बकरी पालन एक कम दर्जे का काम माना जाता है, नीचे दर्जे का काम माना जाता है, तो उस तरीके की भी समस्याएं आपको ये समस्या हाँ हरीश जी, ये समस्या भी आई थी मेरे साथ कि मेरा जो क्षेत्र है ना उसमें संकीर्णता ज़्यादा है। लोग ये समझते हैं कि बकरी पालन है वो बिल्कुल लो क्वालिटी का काम है।
बिल्कुल, उनको पता नहीं है कि बकरी पालन भी एक बिजनेस है। बिल्कुल, वो तो यही सोचते हैं कि अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए जो हमारे यहाँ पर नीची जात के लोग होते हैं वो करते हैं। और जब से मैंने फार्म स्टार्ट किया, शुरू में स्टार्टिंग में मेरे को 1-1.5 साल तक समस्या आई, अब लोगों को पता चल गया है क्योंकि मेरे पास सभी अच्छी ब्रीड की बकरियाँ हैं, महंगी बकरियाँ धीरे धीरे समझ में आ गई। और जो हमारे घर वाले हैं आड़ोस पड़ोस के हैं वो इस बात से बिल्कुल वंचित थे। बिल्कुल, और उन्होंने सर स्टार्टिंग में मेरे को बताया भी तो मुझे बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ना तो कोई मेरा गुरु था, ना किसी ने नॉलेज दी। बिल्कुल, वो कहावत है ना कि समय सबसे बड़ा गुरु होता है। बिल्कुल, समय के साथ साथ हम सीखते गए और करते गए। चलिए तो कुछ आपकी बकरियां देखते हैं साहब, और उसके उनके बारे में डिटेल में जानकारी लेते हैं, फिर मैं बीच बीच में आने वाली समस्याओं के बारे में भी जिक्र करता रहूँगा आपसे। वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर होगा, दर्शकों अगर पसंद आए तो बिल्कुल लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये एक बकरी पालक के अनुभव की जानकारी है कोई मैं है ना। तो सर पहले तो अपनी बकरियां देखते चलते हैं, ये बताते चलिए ये ब्रीड अभी अपन हरीश जी, ये अपना ब्रीडर है जी, भोला इसका नाम है, 4 दांत फ्रेश अभी किए हैं, और ये सोजत हैदराबादी क्रॉस का बच्चा है। अच्छा। और अभी मेरे फार्म पे इसके बच्चे आ रहे हैं, रिजल्ट बहुत अच्छा है इसका, बिल्कुल बेदाग वाइट गुलाबी और वाइट आईज मार्बल सिंह मार्बल खुर में। अच्छा। जब मैंने ये लिया था जब 10 महीने का बच्चा था, आज ये 4 दांत पे है, बहुत बढ़िया। और लगभग जो बकरियां हैं मेरे पास वो हैदराबादी क्रॉस की हैं, ये बकरी अभी बच्चे दिए हैं, बहुत अच्छे बच्चे दिए इन्होंने, ये अभी बच्चा देने वाली है मेरे फार्म पे, 2nd बार बच्चा देगी। अच्छा। और पिछली बार भी इन्होंने 2 बच्चे दिए थे, अब शायद लगता है 3 बच्चे देंगी। बिल्कुल, आप देख सकते हैं इसका फ्रेम देखिए, बहुत प्यारा है। और ये मेरे फार्म की बहुत पुरानी बकरियाँ हैं दोनों, ये हर साल में मेरे को 2 बार बच्चे दे देती है टाइम टू टाइम, और इसके बच्चे भी बहुत अच्छे आते हैं। ये देखिए बकरी अब मेरे फार्म पे 5वीं बार बच्चे दिए, इसकी बॉडी लैंग्वेज को देखते हुए कोई बता नहीं सकता कि बकरी 5 बार बच्चा दे चुकी है। अच्छा। तर गुलाबी है, वाइट आइज में है, मार्बल सिंह मार्बल खुर, कहीं डॉट नहीं है, बिल्कुल भी डॉट नहीं है, ना कोई काले रंग का बाल है। और अब की बार मेरे फार्म पे मैं इनके बच्चे दिखाऊंगा आपको। बिल्कुल। ये मेरी दूसरी बकरी है जिनके ऊपर मैंने अपने फार्म का नाम महालक्ष्मी गोट फार्म रखा था। अच्छा। तोतापुरी ब्रीड की है, 4 बार मेरे यहाँ बच्चे दे चुकी है, 5वीं बार बच्चे देगी, है तोतापुरी लेकिन बच्चे सोजत के प्योर वाइट गुलाबी निकालती है पंच फेस में, लंबे कान में। और इसकी मेरे को डिमांड आ चुकी है 1,00,000 रुपये तक की, लेकिन ये नोट फॉर सेल है, ये अपने घर के लिए, ये अपने घर के लिए, घर के लिए। अगर सारी बकरियां भी बिक जाएंगी तो हम इनको घर ले जाएंगे, लेकिन सेल नहीं करेंगे। उसके बाद ये देखिए, ये भी मेरी बहुत पुरानी बकरी है, गुजरी नस्ल की है, 4 से 5 लीटर इनके दूध है, और ये देखो गुजरी नस्ल की होते हुए भी प्योर सोजत के वाइट बच्चे निकालती है, जैसा ब्रीडर इनको लगाओ वैसा बच्चा देती है। चलिए मैं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करूंगा, जैसे क्रॉस ब्रीडिंग आप करा रहे हैं। बिल्कुल, है ना, तो जैसे इससे हमें सोजत के बच्चे कैसे मिलते हैं और तोतापुरी से हमें सोजत के बच्चे कैसे मिलते हैं, ये अगर आप ये इन बकरियों के अंदर क्वालिटी है, जैसा ब्रीडर इनको लगाओगे ना वैसे बच्चे देंगे आप। और इसमें ये भी है सब, जैसे गुजरी जो बनी वो सिरोही सोजत मिक्स है, क्रॉस में कहीं ना कहीं सोजत वाले गुण हैं, अंश हैं। बिल्कुल, है ना। और जो तोतापुरी की बात करी थी अपन ने, तोतापुरी भी जमुनापारी और सिरोही से आई है, और सोजत जो बनी एक्चुअली वो सोजत भी जमुनापारी का है, तो मतलब कहीं ना कहीं एक चीज कॉमन है, है ना। बहुत बढ़िया सर। और चलिए कुछ और बकरियाँ देखते हैं आपकी, सारी बिल्कुल बहुत सुंदर और बहुत खूबसूरत हैं। तो सर जैसे मैं ये जानना चाह रहा था, एक और मन में सवाल है क्रॉस ब्रीडिंग को लेकर, कि अक्सर मैं देखता हूँ अलग अलग बाड़ों पर विजिट करते रहता हूँ, क्रॉस ब्रीडिंग का रिज़ल्ट ये मुझे मिलता है कि यार बकरी या तो कमज़ोर हो जाती है, या जैसे हम क्रॉस कराते हैं तो या तो उसके बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं, और आपके यहाँ पर मुझे ऐसा कोई भी शिकायत नहीं देखने मिल रही है, तो इसका राज क्या है थोड़ा सा ये समझाइए सर। हरीश जी, जो हमारी किसान है ना बकरी पालक, वो गलती क्या करते हैं कि बकरी आपने पहले ही क्रॉस ब्रीड ले रखी है, वो बकरी जो आपने क्रॉस ब्रीड ली है वो 2 ब्रीड का मेल है, और उस पर आप बकरा लगा रहे हो 3rd ब्रीड का, तो वो 2 ब्रीड की बजाय 3 ब्रीड हो जाएंगी। 2 तक तो सही है, लेकिन जहाँ 3 ब्रीड मिक्स होंगी वहाँ मामला सारा ख़राब होता है, ना तो उनके बच्चे अच्छे आएंगे, ना वो बकरी दूध बनाएगी, और ना ही उनके बकरी कितनी ग्रोथ होगी। अब जैसे मेरी तोतापुरी है, सोजत से क्रॉस कराया,
सोजत हैदराबादी से क्रॉस कराया इसको, तो वो तीन ब्रीड तो पहले ही हो गई, तो इनके बच्चे कहाँ से आएंगे? तो इस बात का भी ध्यान रखना है, बिल्कुल ध्यान रखना है। आप दो बार किसी भी ब्रीड को क्रॉस ब्रीड तैयार करने के लिए दो ही ब्रीड का चयन कर सकते हो, तीसरी में आप चौथी में घुसोगे तो रिजल्ट बिगड़ता चला जाएगा, रिजल्ट बिगड़ेगा। अब सोजत बकरी है, अगर सोजत बकरी को हम उससे व्हाइट आइज लंबे कान चाहिए हैदराबादी बकरे से क्रॉस करा रहे तो आ जाएंगे, सोजत हैदराबादी क्रॉस के बच्चे से करा रहे तो उसमें भी सोजत के गुण है, लेकिन हम तोतापुरी को सोजत से क्रॉस करा देते हैं और फिर जो उनके बच्चे आते हैं उनको फिर हम हैदराबादी लगा रहे हैं तो वहाँ गड़बड़ हो जाएगा मामला, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई सर आपने, क्योंकि ये सारी चीज़ें कोई इतना ओपनली बात करता नहीं है, क्योंकि डर रहता है उनको कि यार उनको डर रहता है कि मेरा राज पता चल जाएगा, लोगों को पता चल जाएंगे। अपने यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, वो कुछ जो है ना फार्मर वो बताते नहीं है कि मेरे फार्म का राज पता चल जाएगा। अपना यहाँ पर हरीश जी उल्टा है, कोई भी भाई कभी भी फोन करके किसी भी बारे में जानकारी ले सकता है, दवाई के बारे में, वैक्सीन के बारे में, किसी बीमारी के बारे में, किसी ब्रीड के बारे में भी। अब जो ये मेरे पास बच्ची है ये ऑलरेडी हैदराबादी क्रॉस है, ये देखो इतने लंबे कान की बच्ची, अभी 4 महीने की बच्ची है, किसी भी फार्म पे आपको देखने की नहीं मिलेगी व्हाइट आइज में, और इसको हैदराबादी बकरा लगाते हैं तो ऑलरेडी हैदराबादी क्रॉस है, लेकिन हम इसको बकरा भी हैदराबादी क्रॉस ही लगाएंगे तो वो फिर एक लाइन बनेगी। हाँ, एक कि हैदराबादी है तो हैदराबादी के साथ जुड़ेगा, बिल्कुल, तो इनके बच्चे भी अच्छे आएंगे, ग्रोथ भी अच्छी करेंगे, इनका दूध भी अच्छा रहेगा। हाँ, वही जो अपन ने अभी जमुनापारी हाँ, वाला कॉन्सेप्ट समझा सर, इन 3 सालों में 4 सालों में आपको कौन कौन सी परेशानियां आई ये भी जरूर बताइए। जैसे आपने बताया हरीश जी, ये मेरा खेती का क्षेत्र है हरियाणा, और बकरी पालन का और मेरा बिल्कुल अपोजिट काम था, न किसी ने घर में पहले बकरी रखी थी, न मेरे को नॉलेज थी, और फिर मैंने बिल्कुल विपरीत काम किया ये बकरी पालन का। इसमें समस्या ये आई कि न तो मेरे को इनको वैक्सीन की नॉलेज थी, न मेरे क्षेत्र में इनका कोई डॉक्टर अवेलेबल था, इनके लिए अगर बीमार हो भी जाती तो डॉक्टर मेरे को राजस्थान से बुलाना पड़ता था, जिनकी विजिट करने की फीस बहुत ज़्यादा होती थी, एक बार विजिट करने का डॉक्टर 1000 से 1500 रुपए लेता था, चाहे एक जानवर बीमार हो चाहे 10 जानवर बीमार हो। उसके बाद धीरे धीरे मैंने डॉक्टर वाला काम भी खुद स्टार्ट कर दिया, अब न तो मेरे फार्म पर किसी डॉक्टर की ज़रूरत है, वैक्सीनेशन मैं खुद करता हूँ, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आती है मैं खुद सोल्व कर लेता हूँ। ये समझो कि अभी पिछले 1.5 साल से मेरे फार्म पर डॉक्टर ने विजिट नहीं किया है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है सर। चलिए कुछ आपके जो रिजल्ट आए हैं अभी जो छोटे बच्चे हैं उनको देखते हैं और उनके बारे में थोड़ा सा इब दिखाओ। ये इनका एक बच्चा है, ये कितने दिन का हो गया सर? ये अभी 20 दिन के बच्ची है, फीमेल है, प्योर वाइट बेदा गुलाबी आई है, और इसकी माँ पे डॉट भी है, नॉर्मल सोजत की बकरी है। बिल्कुल, इसकी माँ भी दिखाएंगे आपको। और ये तो अभी ये उससे छोटे होंगे, ये 10 दिन के बच्चे हैं, ये 10 दिन के हैं। बिल्कुल, इसकी माँ देखिए हरीश जी, डोट में भी है, छोटे कान में भी है, हर जगह इसके डोट हैं, लेकिन बच्ची देखो आप, ये अपने भोले का कमाल है, बिल्कुल सफ़ेद वाइट गुलाबी। बिल्कुल, आप देख सकते हैं पैरों में भी, गर्दन के पास भी डॉट हैं, ये देखिए, ये अपने भोले की 2 कॉपी आई है। सारे बच्चे ऐसे आ रहे हैं लेकिन ये बिल्कुल भोले ने अपना 2 कॉपी दिया है, कान में भी, वाइट आइज में भी, और हर चीज़ इसकी गुलाबी है, सींग अभी आई नहीं है, 10 दिन का ही बच्चा है, बाकी हर चीज़ गुलाबी है, टोटल सारे बच्चे ऐसे आ रहे हैं। बिल्कुल, और खुर भी मुझे लग रहा है सफ़ेद हैं, मार्बल हैं। बिल्कुल मार्बल खुर है, ये थोड़ा मिट्टी लगी हुई है लेकिन मार्बल खुर है। जी, व्हाइट आइज में जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और ये बता दो हरी जी, ये बच्चा सेल भी हो चुका है? अच्छा, ये सेल भी हो चुका है। मेरे पास डिमांड रहती है भोले के बच्चों की, 6 बंद पार्टी की मेरे पास डिमांड थी, अभी तक मैं 2 की पूर्ति कर पाया हूँ, अभी मेरी बकरियाँ और बच्चा देंगी तो ऑलरेडी 4 बच्चे आएंगे तो वो बुक है। और ये लोग यकीन नहीं करते, उनको मैं बता देता हूँ कि मेरे फार्म पे आओ, विजिट करो और अपने हाथ से पैसे गिन के ले जाओ, ये 3 महीने तक दूध पिएगा, और ये जब 1 दिन का था तभी मैंने इसको भी बेच दिया था 50,000 रुपये का। अच्छा, और जिस भाई को इस बात का यकीन नहीं है वो मेरा फार्म विजिट करे या रह के देखे और फिर पता करे, जिस दिन मैं बेचूंगा इसकी कीमत उसका भी मैं वीडियो बनवाऊंगा और 50,000 रुपये हाथ से गिन के और फिर रखेंगे। अब की बार ऑनलाइन का सौदा नहीं करेंगे, एक खाते में ट्रांसफ़र करवा लिए, गूगल पे फ़ोनपे करवा लिए, अगली पार्टी को बोलेंगे यहाँ आओ
टोकन इसका आया हुआ मेरे पास 5,000 रुपये और 45,000 रुपये जो पेंडिंग है वो हाथ से गिन के लेंगे। बिल्कुल, और उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी देंगे। आशीष जी मुझे ये बताइए, जैसे ये आपका जो क्षेत्र है यहाँ पर तो मान लीजिए हरी घास और हरी पत्तियों की कोई कमी तो नहीं रहती है, परंतु फिर भी मैं जानना चाहूँगा किस तरीके से आप बकरियों का पालन कर रहे हैं। क्या आप फुल टाइम इन्हें स्टॉल फीड पर रखते हैं या ग्रेजिंग के लिए भी निकालते हैं? मैं इनको हरीश जी 6 महीने स्टॉल फीडिंग पे रखता हूँ और 6 महीने ग्रेजिंग पे रखता हूँ जी। और ये रखने का कारण ये है कि जैसे कोई बाहर की पार्टी अपने पास आती है अहमदाबाद, गुजरात, सूरत, पुणे, महाराष्ट्र, बम्बई से, तो वहाँ क्या होती है सभी बकरियाँ फुल टाइम ग्रेजिंग पे रहती हैं ना, उस पर स्टॉल फीडिंग पे रहती हैं, तो अगर वो भी यहाँ से ले जाते हैं तो मेरी बकरियों में वहाँ कोई समस्या नहीं आती क्योंकि ये 6 महीने स्टॉल फीडिंग पे भी रहती है। अच्छा, हमारे जो लोकल एरिया के हैं यहाँ चरने के लिए काफ़ी एरिया है, वो भी अगर लेके जाते हैं और वो ग्रेजिंग पे बाहर ले जाते हैं तो भी इन बकरियों को कोई समस्या नहीं आती क्योंकि ये 6 महीने ग्रेजिंग पे रहती है और 6 महीने स्टॉल फीडिंग पे। अभी आप देख रहे हैं हमारे खेत खाली हो रहे हैं, सरसों की कटाई हो रही है, अब ये 3 महीने तक ग्रेजिंग पे रहेंगी, उसके बाद बाजरा वाला टाइम आएगा उसमें भी ये 3 महीने ग्रेजिंग पे रहेंगी। यानी आप ये समझो 3 महीने ग्रेजिंग, 3 महीने स्टॉल फीडिंग, फिर 3 महीने ग्रेजिंग और फिर 3 महीने स्टॉल फीडिंग। लास्टली मैं ये जानना चाहूँगा आशीष जी, अगर आप हमारे कोई दर्शक हैं उनको कोई संदेश देना चाहते हैं तो वो ज़रूर बताइएगा। आपका क्या अनुभव कहता है कि जो बकरी पालन में आना चाहते हैं तो किस तरीके से अपनी प्लानिंग करके रखें ताकि उन्हें कोई भी परेशानी नहीं हो? जी मैं तो ये देना चाहूँगा नए किसान दोस्तों को कि जो लोग ये पीछे आपने देखा होगा लॉकडाउन का समय रहा है, कंपनियाँ थी, फैक्ट्रियाँ थी, वो बंद हो गई थी और लोग बेरोजगार घूम रहे थे, और उनमें भी यही है कि आप किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हो, अपना टिफ़िन सुबह पैक करके ले जाओ और सैलरी फिक्स होती है 10,000 से 12,000, 15,000 जो भी होती है, और बकरी पालन में ऐसा अपना खुद का काम है, आप घर पे भी रह के कर सकते हो, घर का काम भी कर सकते हो और कोई सैलरी फिक्स नहीं है, आप जितनी मेहनत करोगे उतना पैसा है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो मेरे नए किसान मित्र जो अपना ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, वो एनी टाइम कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं किसी भी बारे में जानकारी लेने के लिए, बकरियां खरीदनी हो, किस ब्रीड की खरीदनी है, कहां से खरीदनी है, क्या क्या उनको समस्या है, आप कभी भी दिन रात कॉल कर सकते हो, मैं सभी का फ़ोन उठाता हूँ और सभी का जवाब देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो दर्शकों आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद ज़रूर आई होगी। सर ने अपना पूरा अनुभव बताया कि किस तरीके से उन्होंने 8,000 से शुरू करके आज बकरियों की जो कीमत है इनके बाड़े की वो 60,000 रुपये तक पहुँचाई है, तो इनकी काफ़ी मेहनत भी है और काफ़ी परेशानियाँ भी इन्होंने देखी हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा, पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।